और रिया ने भी कनाली के लिए राई के कुछ पत्ते निकाले। रिया आज कनाल सा खेल है। बिट्टू चूल्हे पे बैठा हुआ है और आग जला रहा है। मैं भी चूल्हे पे आग सेकने के लिए आ गया हूँ बिट्टू के साथ। तो चावल बनके भी तैयार हो गया। आज के दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और आज जो मौसम का मिजाज है वो काफ़ी ठंडा है, क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई है और ऊपर चोटियों पे बर्फबारी जारी है। तो इससे पहले कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह से देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है और बारिश लगी हुई है और धीरे धीरे कोहरा भी काफ़ी छाया हुआ है। ये हमारे गांव का धारा है और जैसे ही ठंड होती है तो इस पे गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और जैसे ही धूप लगती है तो फिर से पानी ठंडा होने लगता है। तो ये हमारे गांव का नेचुरल धारा है। ये चाची ने निकाल रखी है कनाली, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जब भी ठंड होती है तो सबसे स्पेशल डिश जो बनती है वो कनाली की डिश बनती है। तो चाची आज कनाली निकाल रही है और ठंडों में कनाली का साग ही काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादातर सबको पसंद आता है। तो ये देख सकते हैं चाची कनाली की टहनी टहनी निकाल रही है, जिसकी आज अच्छे तरीके से चाची साग बनाएंगे। अगर आप लोग पहाड़ी हैं तो आप लोगों ने भी ज़रूर कनाली का साग खाया होगा। और जब भी पहाड़ों में ठंड शुरू होती है तो हर परिवार में एक ना एक बार जरूर कनाली का साग बनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है सर्दियों में। और रिया ने भी कनाली के लिए राई के कुछ पत्ते निकाल दिए हैं, क्योंकि राई का जो मेल होता है वो कनाली के साथ अच्छा होता है, क्योंकि कनाली का साग बनाने के लिए उसमें राई और पालक जरूरी होता है। तो रिया ने भी राई निकाल दी है और दादी के पास दे रही है। और सामने चोटी से देख सकते हैं कि फिर से जोरदार बारिश आने वाली है। तो रिया आज कनल सा खेल है। तो ये देखो, योगेंद्र ने भी आज कनाली का साग बनाने के लिए कनाली निकाल दी है। कि बिट्टू चूल्हे पे बैठा हुआ है और आग जला रहा है और हमारे यहाँ भी खाने की तैयारी हो गई है। चूल्हे में प्रेशर रखा हुआ है तो इस पे शायद दाल बन रही है। तो बाहर काफ़ी ठंडा हो रहा है, मैं भी चूल्हे पे आग सेकने के लिए आ गया हूँ बिट्टू के साथ। तो अभी मैंने दिखाया कि चाची खेतों से कनाली और राई के पत्ते निकाल रही थी, क्योंकि पहाड़ों में जब भी ज़्यादा ठंड होती है ऊपर बर्फ गिरने शुरू हो जाती है तो गाँव में ज़्यादातर अपना फेवरेट साग कनाली का साग बनाते हैं। तो चाची तो अपने घर में आज कनाली का साग बना रहे हैं। खैर, हमारे यहाँ आज नहीं बन रहा। हमारे इच्छा भी थी आज कनाली का साग बनाने के लिए, तो उससे पहले माँ ने दाल रख दी है घर की। तो खैर, कभी फिर अब ज़्यादा ठंड होगी तो उस दिन हम भी कनाली का साग बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी टेस्टी होता है। बाहर बारिश लगी हो और ज़बरदस्त ठंड हो रही हो तो, और चूल्हे पर ऐसी आग जली हो तो चूल्हे को छोड़ने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आग अच्छी जली हुई है और मैं और बिट्टू साथ में बैठे हुए हैं। और बाहर देख सकते हैं फिर से बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और फिर से ठंडा होने लग गया है। शायद लग रहा है कि शाम तक ऊपर चोटियों में पूरी पूरी बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि घर की दाल आज बनाई जा रही है। घर की राजमा और सोटे की दाल है।
तो दाल बनके तैयार हो गई है, बस उसको फ्राई किया जा रहा है। ये हरा धनिया भी काट दिया है, यह है घर का हरा धनिया। तो चावल बनके भी तैयार हो गया है और दिन का दाल भात बिल्कुल रेडी है। अभी दिन का खाना तैयार हो गया है और माँ सबके लिए खाना दे रही है, तो अभी स्टार्ट करते हैं खाना। ये देखो राजमा, घर की राजमा है, भात है, सब्जी है और साथ में मम्मी दही भी दे रही है। सुबह से झमाझम बारिश लगी हुई है और चारों तरफ कोहरा ही दिखाई दे रहा है और ठंडा काफ़ी हो रहा है। लगता है शाम तक पूरी पहाड़ियों पर बर्फ़ गिर जाएगी। अभी दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं और सुबह से लगातार बारिश होती जा रही है, जिससे काफ़ी ठंडा हो गया है। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का समापन। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मैं पम्मी अग्रवाल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।